मॉर्निंग गाइस. वैसे मॉर्निंग गुड तो नहीं हुई हमारी. आरंबुल से है हम लोग, अभी आरंबुल से निकल रहे हैं. ये हमारी ट्रिप का सेकंड डे है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ और एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे. मैं नॉर्थ के साइड बहुत कम गया हूँ, तो इस बार नॉर्थ एक्सप्लोर करेंगे हरी भाई के साथ. साउथ में तो हाँ, साउथ में सॉरी, नॉर्थ में तो नॉर्थ तो क्लिक किया है एक्सप्लोर, बट साउथ नहीं किया है. तो अभी साउथ एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे वहाँ के बीचेस बहुत अच्छे है बोले तो. बटरफ्लाई बीच भी जाना है आज. हाँ, ट्राई करते हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे. हाँ, तो वीडियो पे बने रहना और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना. अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, गोवन स्टाइल ये नाश्ता है. ये क्या है, मुझे बनाना चाहिए पूरी है का? बताना कैसा बना होता है. गोड़ है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये मीठा पूरी है एक टाइप का, ये बनाना से बनता है. ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा. और इसका जो फूड एंड स्टे का रिव्यू है ना, ये फूड इनके चैनल पे आ ही जाएगा. तो अभी तो मैं तो सिर्फ खाने के लिए रुका हूँ, मुझे भूख लगी है पूरी. तो ये गोवन स्टाइल नाश्ता है यहाँ पे, तो वो करेंगे पेट भर के तब आके और आगे निकलेंगे फिर. चलो, तो ये यहाँ का मिसल पाव है गोवा का, गोवन स्टाइल. टोमेटो मिसल है ये, आलू का सब्जी है, टोमेटो मिसल और थोड़ा ग्रेवी है. पता नहीं टेस्ट कैसा है, बट है ना, जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करो, वहाँ की ना आपको पता चल जाती है क्या सीन है. मज़ा आता है वहाँ का लोकल फूड ट्राई करने में. चाय चापन दे भाई. तो अभी देखते हैं, ये बनाना का पूरी है, इसको ये मीठा है एक्चुअली. हाँ, वो उतना ही रहने देते हैं. तो अभी खाते हैं पहले. तो भाई ब्रेकफास्ट ज़बरदस्त था, मतलब ठूस के खा लिया यहाँ तक. और बिल आया है सिर्फ 220 रुपीस. तो ये होता है लोकल फूड ट्राई करने का नतीजा, मतलब सस्ता और टिकाऊ. टेस्टी भी, सस्ता टेस्टी और टिकाऊ. ये जो यहाँ की जो बनाना बन थी ना, वो एक नंबर थी, वो सबसे अच्छी लगी मुझे. हाँ, कुछ डिफरेंट था और मतलब हल्का था, काफ़ी लाइट वेट था, इससे स्पॉन्जी था, टेस्ट में काफ़ी अच्छा था और सस्ता था यार. मजा आ गया एकदम सस्ता. और दूसरा जो था, मतलब वैसा नहीं था कि बहुत स्पाइसी है, बहुत ज्यादा मसाले पड़े हुए हैं. एकदम सिंपल था, सिंपल बिल्कुल था, ये नहीं कि पेट में जाके कुछ दिक्कत करे वो. हाँ, और ये पहला मैंने इसे रास्ते वाला फूड स्टॉल देखा जहाँ पे ना ये गर्म पानी भी देते. पता हाँ. नहीं, शायद यहाँ पे होगा ये मतलब देते होंगे यहाँ पे हर जगह पे. मैंने ना साउथ में देखा है, केरला में ना, आप होटल में जाते हो ना, तो एक ऐसा पर्पल कलर का पानी देते हैं वो. अच्छा. गिलास में अपना सादा हाँ. पानी होता है ना हाँ. तो वो पर्पल कलर का पानी देते. अच्छा. हाँ, वो किस चीज का पानी? वो हाँ, गुलाबी टाइप का, गुलाबी कलर का दिखता है वो पानी. हाँ, तो वो शायद मेडिसिनल होता है, ये कोकम वगैरह डाला हुआ होता है शायद. हाँ, और गुनगुना होता है ऐसे. अच्छा. तो ये है हर एक जगह का फूड का तरीका, यही है यार अपना इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया. यस. चलो, और आगे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है. अभी थोड़ा मूड बन रहा है, पेट खाली हो ना तो दिमाग काम नहीं करता. खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलती. तो चलो आगे देखते हैं.
ये जो बाहर जो देखा आपने, कुछ पेड़ देखे होंगे नीचे जो ऐसे कंबल ओढ़े हुए बैठे थे, तो ये जो है ना, ये उनके ऊपर कोई बेल है जो उसको पूरा कवर कर लेती है। तो ऐसा है ना कि हर एक चीज हम लोग कवर नहीं कर सकते, ये चीजों का एक्सपीरियंस आपको ट्रैवलिंग में ही आता है, उसके लिए घर के बाहर निकलना पड़ता है। ट्रैवलिंग जो है ना बहुत सिखाती है अपने को। हाँ। रोड की कंडीशन ऐसी थी, अभी बन रहा है धीरे धीरे, तो अच्छा है। और अभी आगे एक ब्रिज भी आएगा सचिन भाई, जहाँ से क्या दोनों साइड में समुद्र नहीं बोलेंगे, उसको खाड़ी टाइप है वो। अच्छा अच्छा हाँ, तो हाँ कसीनो वगैरह उधर वो काफी सारी चीजें मिलती है। अच्छा हाँ, चलो अभी आगे चल के देखते हैं साउथ में कौन सी बीच पे रुकना है हम लोग को आज। साउथ में आज हम प्लान कर रहे हैं अगोंडा पे हम रुके। अच्छा, और अगोंडा जाने के लिए हम सोचे रास्ता भी जो है ना बिल्कुल एकदम बीच के साइड वाला लेते हैं, उस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इस पर ट्रैफिक आप देख रहे हो कितना है। ठीक है, आज का जो होगा ना पूरा स्टे का वगैरह हाँ। वो आपके हिसाब से चलेंगे। हाँ, कोई नहीं, तो उधर ही देखते हैं, बीच हट अगर सस्ते में मिलती है तो बीच हट में रुकेंगे, और जो भी मतलब पॉसिबल और सस्ता और अच्छा मिलेगा ना उसमें ट्राई करेंगे, क्योंकि कल दिक्कत क्या थी हमारे साथ, हम आए थे दूर से चला के थके हुए, फुल नाइट ड्राइव करी थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने जो मिला वो ले लिया, भले ही कैसा ही था वो, अच्छा रहा बुरा रहा वो छोड़ दो अब उस चीज को, पर चलो कोई नहीं, हर चीज का एक्सपीरियंस हो ही जाता है। ये रास्ता भी अच्छा है। हाँ, और ये इधर की तरफ ये रेलवे लाइन है शायद, दूर हाँ दूर दूर एक दिख रही है रेलवे लाइन है या कोई ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन रहा होगा। हाँ, ये देखो ये भी खाड़ी आ गई, ये देखो कितना सही है ये चीज, कैफे देखो, कैफे आर्मर, और सामने कहा अमरपाली है, अमरपाली अमरपाली। तो अभी ये थोड़ी सी दूर सिंगल रोड मिलेगा हमें, सही है ना, रोड एकदम मस्त लग रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी स्लो रहता है, बाकी आपको मजा आ रहा है घूमने में, नहीं आ रहा है साथ में, ऐसा तो नहीं है कि बोर हो रहे हो अकेले, अभी बोल भी तो नहीं सकता। नहीं, क्योंकि हम तो बीच में काफी एंजॉय करते हैं भाजी, बीच का तो मजा आपने लेना सिखा है मुझे सच में। नहीं तो मैं अकेला होता ना तो बिल्कुल भी जाता नहीं, अभी 3 साल से मैं बीच पे रह रहा हूँ, एक भी दिन मैंने पैर घुटने तक भी नहीं गया मैं कभी, बताओ। और जो असली मजा है वो ये लेते ही नहीं थे कभी भी, सच में सच में, वो मैं जबरदस्ती थोड़ा सा मैंने इनको मोटिवेट किया कि चलो यार हम है साथ में, तो तभी ये चले गए अंदर। पहली बात तो मुझे डर लगता है पानी से, और दूसरी बात वो चिपचिपा होता है, वो खारा पानी होता है, तो मजा नहीं आता, वो खुजली कर देता है। वो जो हम दिखा रहे थे वो एक्चुअली ब्रिज नहीं, वो नहीं था रेलवे पुल, ये हाईवे बन रहा है, ऊपर ऊपर ब्रिज बन जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? सीधा सीधा सीधा, मतलब राइट राइट, हाँ जी उधर से ट्रक आ रहे हैं, राइट चलना है हमें, तो ये ऊपर ऊपर बन रहा है यहाँ पे ओवर ब्रिज, तो इससे तो और भी कम हो जाएगा यहाँ पे ट्रैफिक ना, तो आने वाले टाइम में मतलब गोवा बाइक कार या आप आना चाहते हो तो बहुत आराम से आ सकते हो, एक घंटे में पूरा गोवा का चक्कर हो जाएगा। हाँ, और साउथ से नॉर्थ आओगे या नॉर्थ से साउथ, तो ये ब्रिज वगैरह बन जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, मतलब घूमना एक्सप्लोर करना और इजी हो जाएगा, अभी जो ट्रैफिक में फंसते हैं टाइम लगता है वो नहीं लगेगा शायद। तो ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं अभी हम, और ये है जो एयरपोर्ट से जोड़ देता है, मतलब नॉर्थ को साउथ से जोड़ने वाला ब्रिज ये है, और एक ही साइड में बन रहा है, आप देख सकते हो कितना ऊंचा है। हाँ।
और अभी ये मतलब डबल रोड बन जाएगा इस पे, और ये कितना मुश्किल होता होगा समुद्र के ऊपर बनाना एकदम, दोनों तरफ सी है मतलब यहाँ पे सी नहीं रिवर, रिवर खाड़ी है, ये खाड़ी समुद्री है, खाड़ी टाइप है। हाँ तो ये देख सकते हो आप उस समय देखिए बिल्डिंग बनी हुई है, वो वास्को है। वो मास्को है सारा, मुझे वो ऊपर देख के डर लग रहा है। तो एयरपोर्ट जो है इधर की तरफ रहता है और सामने बिल्डिंग दिख रही है। हाँ हाँ, और बिल्डिंग जो दिख रही होंगी वो भी मास्को की है। तो हमने अभी कौन सा था वो खास मजोरडा, मजोरडा से राइट में ले लिया है, मतलब अभी आगे मजोरडा आएगा। तो हाईवे से राइट में ले लिया, हाईवे से राइट में ले लिया ये मजोरडा साइड में। तो सिंगल रोड है, खेती है दोनों तरफ, और ये रास्ता है जो जिसमें ट्रैफिक कम है और रास्ता भी काफी अच्छा है, मतलब व्यूज है ना बहुत जबरदस्त है। नज़ारे देखो साइड में पूरे नारियल के, ये भी दिख रहे हैं पेड़, और खेती है शायद ये धान की खेती है, नहीं अलग है, सब्जी है कोई। हाँ, और ये देखो कॉटेजेस बने हुए बंगले, क्या सही है यार, यहाँ पे तो है ना पूरी लाइफ भी रख दिया ना तो भी चलेगा बिना इंटरनेट के, नहीं इंटरनेट चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ। और ये देखो वाह, कैनोपी बना हुआ है पूरा पेड़ों का ऊपर से, सही है। रोड तो काफी अच्छा लग रहा है, इसी रोड रास्ते से हमको अभी ये कोस्टली रोड है ना ये। हाँ हाँ, ये कोस्टल रोड लग के। हाँ। चलो आगे भी देखते हैं अच्छे अच्छे नजारे, बंगलों देखो क्या सही है यार, वाह मस्त प्रॉपर्टी बनी है यहाँ पे तुम्हारे। चलो देखते हैं, तो अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त मिल गए हैं, तो उनसे थोड़ी बात करेंगे और आगे निकल जाएंगे अगोंडा के लिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ये अंदर के जो रास्ते हैं ना गोवा के, ये कभी एक्सप्लोर नहीं हुए थे, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए थे, बट काफ़ी अच्छे है और बहुत सही है यार, रोड तो अंदर के काफ़ी अच्छे है। ये जो साउथ वाला पोर्शन है ना गोवा का, ये मस्त है, अगर कभी आते हो ना तो ये एक्सप्लोर करना ज़रूर। गोवा है वैसे बहुत छोटा, अगर आप प्रॉपर तरीके से कुछ प्लान करते हो ना तो गोवा मस्त एक्सप्लोर हो सकता है दोस्तों। तो अभी और ये अभी हम साउथ गोवा में खड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, सचिन भाई भी आए, उनको भी वो जानते हैं क्योंकि उन्हें वो में देखा है, हमारा साथ में देखा उन्होंने। तो अभी सर के साथ थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे जगह बताई है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे साथ में, थोड़ा सा बात करेंगे सर के साथ। और ये बहुत अच्छा लगा कि गोवा में आके किसी लोकल बंदे से मिलना, वहाँ पे एक अलग फील आता है वो। तो बाकी बर्थडे वाले दिन मिले और भी स्पेशल हो गया, ये स्पेशल गिफ्ट हो गया। हाँ। अब ये डॉक्टर साहब हमें कहीं लेके जा रहे हैं, कोई एक लोकेशन पता है उनको यहाँ की, तो ये सामने वाली जो एसएक्स 4 जा रही है गाड़ी, उसमें हैरी भाई और वो डॉक्टर साहब है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। और मज़ा आता है यार जब कोई ऐसे सब्सक्राइबर मिलता है और इतना अच्छे से वो ग्रीट करते हैं ना, तो एक ये बढ़ जाता है अपना मोटिवेशन बढ़ जाता है। और ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बस जंगल से होते हुए जा रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ है और बीच बीच में से सुंदर सुंदर कॉटेजेस बने हुए हैं। तो अभी हरी भाई की जगह सरदार जी आ गए। हाँ। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, आगे जा कर के देखते हैं ये कौन से लोकेशन पे लेके जाते हैं हमें। रास्ता तो मतलब बहुत सही है, यहाँ पे छोड़ देंगे ना तो मैं तो ढूंढते ही रह जाऊँगा, बाहर निकलने का पता ही नहीं है अभी हमको। नेट चला गया तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे सब के सब। हीट ना मैडम, बहुत है ना। और ये लोकेशन पे लेके आए डॉक्टर साहब हमें, दिख रहा है। और भी आगे जाएंगे, और ये बीच हम कभी आए भी नहीं। क्या नाम है वैसे ये बीच का? एक्चुअली सर ये यहाँ पे काबदेराम फोर्ट बोलता है। हाँ देखा है मैंने उसको, और कनागिनी बीच बोलता है, बहुत नजदीक है। तो ये तो फोर्ट का फोर्ट की तरह है, जैसे वहाँ से देखे गोंडा और कितना दूर है यहाँ से अभी बाबा, वो जो रास्ता था ना वो ऐसा स्प्लिट हो रहा था। हाँ तो और एक आई थिंक आधा घंटा तो लगेगा। मैं सर को बोल रहा था ये तो इंटरनल रोड है, अगर आप हाईवे पकड़ेंगे तो बहुत फास्ट। हाँ। पालोलेम से आपको हाईवे मिलेगा, बट ये अंदर के रोड वाली मजा है ना अलग ही है। हाँ। हाँ। ये ना पिछली बार हम इसी से आए थे। फोटो लेने हैं यहाँ पे सर। सचिन सर आपने देखा ना अभी, जैसे कि गोवा में
12 बजे के बाद आपको थोड़ा सा केयर लेना चाहिए रास्ते पे, अंदर के रास्ते से यही होता है। वो टिक्की याद आ गई थी, बंदा पैसे वसूल कर रहा है। अच्छा, में यही होना होता है, तो आपको थोड़ा सा केयर लेना चाहिए। मुझे लगा कोई होंगे पहचान वाले या फिर पुलिस का कोई रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मजा आ गया। रोड काफी अच्छा है बाबा, थोड़ा सा साइड आओ, थोड़ा फोटो सेशन कर लेते हैं पहले। ये वर्थ है यार, इतने कोने में आने का है ना, सच में पैसे वसूल है। नहीं, पैसे वसूल है। सही है, जगह बहुत जबरदस्त है। वाह, और ये घास में तो दौड़ लगाना चाहिए, मस्त मजा आएगा। ऐसा मतलब सिम्बा वाली फीलिंग आएगी। हाँ, क्या जबरदस्त लोकेशन है यार, वाह मजा आ गया। कलर तो देखो सी का, पूरा ग्रीन एंड ब्लू कलर में सी दिख रहा है, और काफी साफ सुथरा बीच है, मतलब साफ सुथरा के ऊपर वाला मिनरल वाटर दिख रहा है पूरा एकदम। और ये बीच पे हमें लेके आए हैं ये डॉक्टर साहब, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, और काफ़ी हमें उन्होंने सपोर्ट किया, ये पूरा ये जगह दिखाया। ये जगह है कोबाडी रामा फोर्ट जो है ना, वो जगह है, ये प्लेस है, और ये ज़्यादा ये नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं है, तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सही है। यहाँ पे ना ये भी है, ओपन स्पेस है बहुत बड़ा वाला, जिसमें कि घास उगी हुई, इसमें भी दौड़ लगाने के लिए मज़ा आएगा। बहुत सही लोकेशन है, बहुत सही लोकेशन है ये। ऊपर आप पार्किंग कर सकते हो, नीचे शैक्स बने हुए हैं, देखो ये सारे शैक्स बने हुए हैं, यहाँ पे प्राइवेट है पूरा, तो यहाँ पे भी जा करके एंजॉय कर सकते हो वो बीच पे। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना ये व्यू देखो कितना खूबसूरत है, नारियल के पेड़, उसके पीछे समुंदर के बीच में दो जगहों पे ना ऐसे ये है टीले बने हुए हैं, वहाँ पे पीछे एक बोट भी है। और ये यार सही है, मज़ा आ गया यार। ये थोड़ा रिस्की है, यहाँ से अगर कोई फिसलता है तो सीधा शैग में किसी के गोद में जाके गिर सकता है, तो मस्त है। और ये सारी जो जगह है ना, ये प्रॉपर्टी पूरी CCTV के अंदर है, तो यहाँ पर कोई भी गलत काम करना मतलब गलत ही होगा, ऑब्वियस है यार, गलत काम करना गलत ही होता है, तो यहाँ पे कोई फालतू हरकत नहीं करनी है, बट एंजॉय करना है यार। बहुत सही जगह है, नेचर का लुफ्त उठाओ, एंजॉय करो, मज़े उठाओ। और ये केक मैं नहीं दिखता, क्या बात है। तो ये सर लेके आए हैं केक, एक और सरप्राइज, और बहुत बहुत थैंक यू सर के लिए। नो स्पेशली वो अलग से केक लेके आए हैं बर्थडे पे, क्योंकि उनको पता था आज मेरा बर्थडे है, और शायद उन्होंने बोला भी था मुझे कि आप बर्थडे बना रहे हो अपना आके। बर्थडे के दिन है ना, नहा धो के अच्छा लगता है ना बाजी, और हम नहाए नहीं है अभी। नहीं हम लोग तो अभी केक काटते हैं, और सभी सब्सक्राइबर्स को भी थैंक यू, सब ने मुझे विश किया, और आज 5th December है, पता नहीं वीडियो कब डलेगी, अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं है, हो सकता है लेट हो जाए, तो चलो काट देते हैं। सब्सक्राइबर वाली फैमिली फर्स्ट है हमारे लिए। सचिन पाजी, हाँ ये हमारा गोवा का मामला, ये लीजिए सर, आ जा सर, खिला दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ये टेस्टी है, आप बच गए, थैंक यू आपके लिए, ये आपकी वजह से खा रहे हैं हम। मुझे भी खिला दो, हाँ इसको खिला, इसको खिलाओ, आप खिलाओ, सर अच्छा सा बड़ा पीस, हाँ ये वो पूरा फैलेगा, मैं ये शाम को खत्म कर दूंगा, शाम को खत्म या फिर दोपहर में, अभी पहले वो, ये बड़ा टेस्टी है। तो भी हम लोग मीटअप के बाद आगे निकल चुके हैं, डॉक्टर साहब से मिलके बड़ा अच्छा लगा यार, ऐसे कोई सब्सक्राइबर मिलते ना तो वाह मजा आ जाता है, क्या बाजी। हाँ, और लोकेशन देखो क्या, लोकेशन तो जबरदस्त, जो उन्होंने लोकेशन दिखाई है ना, वो तो मतलब
मैंने तो कभी देखी नहीं थी, इतनी बार गोवा आके भी कभी देखी नहीं, और भी नहीं देखी, पता भी नहीं चलता अगर वो नहीं आते थे तो। तो हम भी ऐसे साइड साइड से निकल जाते थे। और वहाँ पे उन्होंने बताया वो नीचे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट कॉस्टली होगी वो ज्यादा। हाँ हाँ, बट सही है। और रास्ते की हालत तो मस्त है, गोवा की यही खासियत है, इंटरनल जो रास्ते है ना वो काफी क्लीन और नीट है एकदम, बिना गड्ढों के रास्ते, और मजा आता है ड्राइविंग के लिए। ट्रैफिक भी नहीं होता है, यूजुअली ट्रैफिक बस स्कूटी का होता है, बस बस बस। तो चलो अभी जाते हैं अगोंडा बीच में जा करके, वहाँ पे स्टे का कुछ करेंगे जुगाड़, और फिर केक काटेंगे फिर से और वो अगोंडा बीच एक्सप्लोर करेंगे आज। चलो शायद ये वीडियो में यही एंड कर दूं। एक चीज और, हाँ, इस रोड पे ना ब्रेकर बहुत कम है। हाँ, और जो मेन हाईवे है उस पर बहुत ज्यादा ब्रेकर है और बड़े बड़े हैं। हाँ, बड़े बड़े हैं, इस पे ये दो ब्रेकर बहुत देर के बाद मिले हमें। हाँ, जो भी गांव के पास तो इन वाले रास्तों से जाने में ये भी फायदा रहता है। वही है, तो चलो ये वीडियो में यही एंड कर देता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ।